नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ लिली। हमारे जीवन का क्या महत्व है, ये हमें हमारे धर्म गुरु सिखाते हैं। एक ऐसे ही धर्म गुरु हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, जिनकी बातों को अगर हम आत्मसात कर लें तो हम एक महान जीवन की कल्पना कर सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज के देश भर में लाखों करोड़ों भक्त हैं, जो देश के दर्जनों प्रदेशों से भी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। और क्या कुछ कहा सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी की धर्म नगरी अयोध्या में देश भर से आए श्रद्धालु सद्गुरु रामपाल जी महाराज को सुनने पहुंचे हैं। यहां के रामकथा पार्क में पहुंचकर इन हजारों लाखों लोगों ने गलत रास्ते में न चलने का संकल्प लिया है। रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने गरीब लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए रक्तदान किया। संत गुरु रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को सोनीपत के धनाना के एक किसान परिवार में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद पर इन्हें नौकरी मिल गई। 18 वर्ष नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अपने गुरु स्वामी रामदेव आनंद जी द्वारा बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सद्गुरु रामपाल जी महाराज के सबसे प्रिय सेवादार मनोज दास जी ने बताया कि लाखों की संख्या में सद्गुरु के अनुयायी रामकथा पार्क में मौजूद हैं और उनके द्वारा बताए वचनों को सुनकर उनका पालन भी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ज्ञापन के माध्यम से सत्संग का कार्यक्रम के साथ साथ जो सामाजिक कार्यक्रम कार्य करती आ रही ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो हिसार हरियाणा की है, हम सभी लगभग 99% संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान दीक्षा और शिक्षा के अनुकूल समाज में कार्य कर रहे हैं। और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने का ये संकनाद किया जा रहा है। और ब्लड डोनेशन आप सभी जानते हैं, चूँकि आप मीडिया से हैं, कि ये इससे बड़ा और सोशल सेवा क्या हो सकती है, जो ह्यूमन अपने कीमती ब्लड को दे और उसका क्या सैद्धांतिक और क्या मैसेज होता है। जैसे हमारे देश के सीमा पर सेवा कर रहे हमारे देश के जवान हैं, आहत उनको घटनाएं घटती हैं, ब्लड की ज़रूरत होती है, और भी जो गरीब परिवार से हैं जिनको ब्लड नहीं मुहैया हो पाता, पैसे के अभाव से उनका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, इलाज नहीं हो पाता, तो ये हम लोगों का एक उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हमारी जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऐसे सामाजिक कार्य करती रहती है। अयोध्या से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। तो इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।